आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पे मैं वो कहवा की रेसिपी जो मिसेज एजाज ने ड्यूरिंग वेट लॉस इतना लेना चाहिए, अगर आप स्पून की मदद से ले रही है तो बस इतना सा, ठीक है, इतना सा काफी है। मिसेज एजाज हैं, इन्होंने तकरीबन 40 डेज में अपना 8 इंच तक बेली फैट रिड्यूस किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पे मैं वो कहवा की रेसिपी जो मिसेज एजाज ने ड्यूरिंग वेट लॉस ट्राई की और उसको थ्रू आउट अपने वेट लॉस जर्नी में उसको कंज्यूम किया और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। वो वीडियो आप लोग चल के देख लीजिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। सिर्फ एक कहवा ही नहीं उन्होंने यूज़ करके अपना वेट लॉस किया। अच्छा जी, ये कुछ फ्यू मैसेजेस हैं मिसेज एजाज के, इसमें कहवे को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से, तो वो भी आप सुने। आप उनके 2-3 मैसेजेस ऐसे भी हैं जिससे आप मोटिवेट भी होंगे, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। एक उनमें से मैसेज एक ऐसा भी था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, तो मुझे बहुत सैड फील हुआ उनके लिए जिन्होंने ये चीज़ लिखी, क्योंकि उनको ऐसा, वो इतनी मायूस इस वजह से होंगी क्योंकि उनको लगता होगा कि चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, लेकिन विद अल्लाह ताला एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारा काम है कोशिश करना, ठीक है, रिजल्ट फिर अल्लाह ताला देते हैं, सही है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आसानी से कोशिश करने के बाद उनका फ्रूट मिल जाता है, कुछ लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ कहवा ही नहीं इस्तेमाल करके इन्होंने अपना वेट लॉस किया, उनकी आप पूरी जर्नी सुने। इसके अलावा 2-3 चीज़ें, उन पर सोशल प्रेशर भी था और वो खुद भी कुछ करना चाहती थी। जब बंदा खुद कुछ करना चाहता है ना, तो फिर वो पहाड़ सर कर लेता है। वैसे ही देखें, ख्वातीन ने तो सचमुच में पहाड़ सर कर लिए, ये तो सिर्फ वेट लॉस है। तो इसलिए मायूस ना हो, ठीक है, मायूसी की बातें ना करें। और कमेंट भी बाकी सब ने तो अप्रिशिएट किया, तो जिन्होंने ये लिखा था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है। और आप भी एक अच्छा सा कमेंट करें, अपने हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में बढ़ाएं, ना कि स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। अच्छा, हम ये मैसेजेस सुनते हैं, उसके बाद कहवे की रेसिपी देखिए, उसके बाद एंड में मैं आपको थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जिसमें आपका ही फायदा है, तो वीडियो काइंडली पूरी देखिएगा, ठीक है। तो मैसेजेस स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाह। और इस क्रीम से जो मैंने एक चीज ऐड की, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने हल्दी का ऑर्गेनिक हल्दी जो थी ना, तो मैं लिया अपने पास, तो मैंने उसको पीस के, तो उसमें मैंने दालचीनी उस मिकदार में, मतलब 2-2 चम्मच दोनों पे डाले, और उसमें मैंने थोड़ा सा हाफ चम्मच मैंने मिलाया, क्या नाम उसका, ये काली मिर्च पाउडर, तो ये भी मैं खुद ही कूट के पीसा, मैंने ब्लेंड कर लिया था, इन सबको मैंने मिक्स करके रखा। तो मैं सुबह शाम क्या करूँ कि आफ्टर मील, रात को डिनर के बाद में 45 मिनट्स बाद मैं एक कप पानी उबाल के उसमें एक चुटकी डालती थी, ये सारा मिक्स करने के बाद मैंने रखा होता था। और फिर सुबह पहले मैं पानी पीती थी, नीम गर्म पानी, उसके बाद जब मैं फिर वो डाल के, क्योंकि मुझे स्टोमिक प्रॉब्लम भी है ना, एसिडिटी बढ़ने का मुझे खतरा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज से मुझे इस चीज का ये ज्यादा फर्क हुआ कि मेरी जो इन्फ्लेमेशन थी ना, तो वो मुझे कम हो गई। मैंने जो अपने टेस्ट करवाया तो वो बिल्कुल खत्म हुई हुई है। अब मुझे बहुत ज्यादा पेन आता था, बॉडी में जलन सी होती थी, तो वो भी खत्म हो गई है। अब मैं चलती फिरती हूँ, मुझे घुटनों का प्रॉब्लम भी था, मेरा मुझे जब चलती थी मतलब चढ़ाई उतरना चढ़ना जब पड़ता था, स्पेशली सीढ़ियाँ जब उतरों चढ़ो, तो मुझे ऐसा फील होता था कि जैसे मेरा घुटना ही फिर गया हो, इस तरह मुझे पैन होता था। वो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, नहीं दर्द होता मुझे। अब ये है कि जंक फूड मैं नहीं यूज करती, मैं आपको बता चुकी हूँ मेरी बॉडी थोड़ी ठंडी से, मैं ये ठंडी चीजें नहीं खा पी सकती, उससे मुझे पेन स्टार्ट हो जाता। तो जंक फूड नहीं, कोई मतलब इस किस्म का कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये चीजें मैंने नहीं यूज की। बाकी हम लोग के अपना ऑर्गेनिक ज्यादा यूज करते हैं, घी वगैरह देसी घी यूज किया, खाने में सरसों का ऑयल, उससे हम तड़का बैरल करते हैं, वो यूज किया। दूसरा सबसे बड़ी बात कि मेरे हस्बैंड का जो वेट था 121 kg था, और उन्होंने एक साल के अंदर अपना वेट इतना लॉस किया कि वो 70 पे पहुंच गया, तो मैं बहुत उनको देख के हैरान हुई थी। मुझे बहुत उनके साथ अपना आप में जब खड़ी हूँ ना, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी फील होती थी कि अल्लाह मैं इनसे मोटी लग रही हूँ, मैं अब क्या करूंगी। फिर आपकी ये दोनों वीडियोस देखी, इनसे मैं जब फर्स्ट अपना वेट किया तो मैंने देखा मेरा 3 kg वेट कम हुआ है 8-10 दिन के अंदर। मैं इतनी मतलब खुश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे कैसे कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, बहुत अजीब लग रही हूँ, ज्यादा पेट की वजह से अपना मुझे बहुत बुरा लगी। जब मैंने अपने कपड़े इधर उधर मतलब देना शुरू किया तो मुझे बहुत कुछ हो गया, अपने इतने अच्छे अच्छे कपड़े मैं पहन भी नहीं पाऊंगी। तो फिर तो ये मैसेजेस मैं चाह रही थी कि आप सुन लें, आप चल के आप कहवे की रेसिपी भी देख लें।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने यूज़ किया ना रेसिपी, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ टर्मरिक टी की। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास क्या क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास ये है ब्लैक पेपर। ठीक है, ब्लैक पेपर मैं घर लाया, तो गलाने के बाद मैंने इसको खुद कूट के पीसा है। ठीक है, और ये है टर्मरिक, इसका भी मैंने पाउडर खुद बनाया है। मैंने पंचदार से लाई है, इसकी ऑर्गेनिक लाई है, उसको पीसा और पीसने भी इसको पीस के रखा है। फिर ये है सिनेमन पाउडर, ये भी मैंने खुद बनाया हुआ। ठीक है, ये चीज़ें मैंने खुद ली हैं, क्योंकि बाजार से जो पाउडर मिलते हैं ना, तो उससे मुझे ये बेहतर लगे कि बंदा खुद घर में बनाए ना, तो वो सही है। ये तीन चीज़ें हैं। ठीक, तो क्या जब मैं ये बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि ये 2 टेबल स्पून लेती हूँ टर्मरिक पाउडर के, और 2 दालचीनी के, ये दोनों सेम क्वांटिटी, जितनी जितने टेबल स्पून आप ये लेंगी उतना ही ये लेना पड़ता है। ठीक है, और 1/2 टेबल स्पून में ब्लैक पेपर लेती हूँ। ठीक है, इससे एसिडिटी बढ़ने का खतरा होता है, इसलिए कम क्वांटिटी में यूज़ होता है। स्टोमिक प्रॉब्लम हो जिनको, इन तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स करने के बाद 2 टेबल स्पून सिनेमन पाउडर, 2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया ब्लैक पेपर पाउडर। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स करने के बाद ये इतना सा बनाया। ठीक है, ये इतना होता है कि बंदे को 1 मंथ से भी ज्यादा हो जाता, मतलब ये इतना काफी होता है। महीने, मैंने 1 महीना यूज किया तो मेरे पास अभी तक ये काफी पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 1 कप मैं क्या करती हूँ कि पानी बॉइल करती हूँ। पानी बॉइल करके मैं थर्मास में डाला हुआ है, लेती हूँ। कितना लेना चाहिए, अगर आप स्पून की मदद से ले रही है तो बस इतना सा। ठीक है, इतना सा काफी है। अगर आप हाथ से ले तो वो बेस्ट है, तो 2 चुटकियां जितना एक कैप्सूल में पड़ता है। ठीक है, 2 चुटकियां ऐसे, 1 चुटकी, 2 चुटकियां। ठीक है, उसके बाद मैं गर्म पानी, बिल्कुल बॉयल किया हुआ पानी, ठीक है, बॉयल किया हुआ पानी होता है, इसको मैंने इसमें डाला कप में। इसके बाद ओके, अगर किसी को मतलब एसिडिटी का मसला है या स्टोमिक प्रॉब्लम है तो उसको चाहिए ये क्या नाम है इसका, पुदीना है, ये भी मेरे अपने घर में है, तो इसको मैं डालने के बाद ऊपर मैं इसको कवर कर देती हूँ। ठीक है, इसको कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए। ठीक, 5 मिनट बाद मैं इसको हटा दूंगी, उसके बाद इसको ठंडा हो दूंगी, इतना ठंडा कि मतलब जितना आप पी सकते हैं, जैसे आप लोग जितनी हिसाब से चाय पीते हैं ना उसी हिसाब से रखें। अगर ज्यादा तेज गर्म पी सकते हैं तो ठीक, नहीं तो जितना आप मतलब पी सकते हैं। मैं तो नीम गर्म ही पीती हूँ, क्योंकि मैं चाय भी ज्यादा गर्म नहीं पी सकती। ये चीज़ है। इसके अलावा अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि उसको क्या नाम है स्टोमिक प्रॉब्लम है, तो मुझे है, तो मैं रात को क्या करती हूँ कि 3 खजूरें 1 गिलास पानी में, 1/2 गिलास में। जी हाँ, आपने देखा ये तीनों स्पाइसेस जो उन्होंने ऐड किए ना कहवे में, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, बॉडी की सोजिश को फिक्स करती हैं, और डाइजेस्टिव इश्यूज थे उनके, ये तीनों चीज़ें डाइजेस्टिव इश्यूज को भी ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होता है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होता है तो फिर फैट लॉस में हेल्प होता है बहुत ज़्यादा। और हल्दी की बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है कि आप उसे काली मिर्च का अगर आप उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी स्टडी से ये पता चला है कि 2000% ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन था। इसके अलावा उन्होंने गुड फैट्स अपनी डाइट में ऐड किए थे, मीट की फॉर्म में, घी की फॉर्म में। तो घी जो नेचुरल जो घी होता है, होममेड घी, उससे भी आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन फिक्स होती है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे ये तीनों हर्ब्स ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, तो डायबिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, आपकी हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव होती है, आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो भी, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाती है। देखिये, वो कह रही थी ना कि पहले मेरा दिल चाहता था कि मैं सिर्फ बैठने के काम करूं, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज ऐड की अपने रूटीन में, वो ज्यादा एक्टिव होती गई, अपने बच्चे को स्कूल भी छोड़ने के लिए आने जाने लगी। तो ये सारी चीजें उन्होंने कंबाइन की, जो मैसेजेस मैंने उनके को सुनाए उसमें उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ ये कहवा नहीं इस्तेमाल किया था, जंक फूड बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया उन्होंने अपने रूटीन में से, पैकेट वाली चीजें, जूसेस, ड्रिंक्स, ये सब छोड़ दिया, पानी का इस्तेमाल किया ज्यादा से ज्यादा, कहवे के साथ साथ उन्होंने घर का साफ सुथरा ऑर्गेनिक खाना खाया, अपने टाइमिंग्स चेंज किए, अर्ली डिनर करना शुरू किया, अर्ली उठना शुरू किया। ये आपने सुना होगा ना कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हैप्पी भी ऐड कर लें इसके अंदर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।